सारी बातों का एक सार गर्भित बात का जवाब केदार जी ने अच्छी तरह से दे दिया कि उदयपुर वाटी में अगर समस्या है तो मात्र एक है, उस समस्या का समाधान आप कर दो, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, कोई पसंद करे ना करे, किसी को अच्छा लगे ना लगे, पर गहलोत जी निर्विवाद रूप से 15 साल लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, सारी दुनिया को ये बात माननी पड़ी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकता है आपकी कोई और विचारधारा हो, पर ये शाश्वत सत्य है कि वो हमारे मुख्यमंत्री थे और आज भी हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को, और एक निवेदन और करना चाहता हूं, पता नहीं आजकल दो लोग मुंह से निकालते ही बातों का कितना अर्थ निकालने लगते हैं। आज चौधरी साहब गहलोत साहब की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस में जाने वाले होंगे। इन बातों का कोई लेना देना नहीं होता, सच्चाई को सच्चाई कहना पड़ती है। 10 साल तक लगातार उनके जैसा मुख्यमंत्री तो काल किसी का रहा नहीं। ये तो मजबूरी ये रही कि राजस्थान के लोगों ने थोड़ी कमजोरी दिखाई, इसलिए इसे गुंडों को पालना पड़ा, वरना कब दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकते उनको पता भी नहीं चलता। और इंसान जब अपनी औकात भूल जाता है तो फिर आप सोच सकते हैं वो कहाँ पहुँचता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक राजस्थान के मुखिया को कहता कि मैं उनकी जेल करा दूंगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके साहस को, उनके धैर्य को, वो कैसे इन बातों को सुन पा रहे हैं, कैसे चुपचाप बैठे हैं, वरना ऐसी पिद्दी को कम बसल के फेंक देते, पता भी नहीं चलता। खैर जो हुआ सो हुआ, दुर्भाग्य उनके साथ साथ हमारा भी है कि इस प्रकार का हमारा मुखिया है, इस प्रकार का व्यक्ति हमारे वोट लेकर राजस्थान में हमारा नेतृत्व कर रहा है। इससे बुरा हमारा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। इसलिए केदार जी की बात से मैंने शुरू करी कि इस एक समस्या का समाधान आप लोग कर दीजिए, बाकी की सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। 5 साल आपकी सेवा करने का मौका मिला, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व हमने 5 साल इस नगर पालिका को, उस टाइम ही ग्राम पंचायत का सा स्वरूप था, डिवाइडर बने, लाइटें लगी, 70 साल में एक भी विधायक, कोई भी किसी के पास कैसा भी जिम्मा रहा हो, बातें तो करते हैं, मैं बसपा से जीतता हूँ, कांग्रेस में जाके मंत्री बनता हूँ, पर करता क्या है, लूट खसोट और डकैती के सिवा कुछ किया? 70 साल में एक माँ बहन के लिए लघु शंका करने के लिए व्यवस्था ये नहीं कर पाए, एक पट्टी लगाकर बाथरूम नहीं बना पाए। हमने 70 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 5-5, 6-6 जगह सुलभ शौचालय बनाए, और आपके नजदीक शाकंभरी गेट पे तो 60 लाख रुपए लगाकर हमने ऐसा एयर कंडीशन सुलभ शौचालय बनाया जो झुंझुनू जिले में नहीं है, इन्होंने ऐसा इतना सुंदर काम किया उसको तोड़ दिया। आइए मेरे साथ चलिए, जहां हमारे सुलभ शौचालय की सीमा थी, सड़क तो उसे 2 फुट दूर बन रही है। मैं जानना चाह रहा हूं आपके चेयरमैन से और उस मंत्री से कि हमारे शौचालय को तोड़ने का कारण क्या था, जब आपको सड़क वहां बनानी नहीं थी, सड़क वहां से 2 फीट दूर है, फिर उसको तोड़ने का तात्पर्य क्या है? पर आप निश्चिंत रहें, ना जनता माफ करेगी, ना हम माफ करेंगे, ना सरकारें माफ करेंगी। गहलोत साहब ने बर्दाश्त कर लिया होगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस किसी ने उस शौचालय को तोड़ा है, हम गिरे बान में से उसका पैसा भी निकलवाएंगे और जेल भी निकलवाएंगे। आपके पिताजी की नगर पालिका है, सरकारी की जमीन का पैसा भी उठा लो, वो भी जेल में डाल लो, और फिर मकान भी वहीं बना लो। मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा करके 100-100 करोड़ रुपए की दुकानें भी की, पूरी नदी का सीना छलनी हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपया वहां से गुंडा टैक्स लिया गया। मैं आपसे बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, आप ही के हमारे समाज के चौथमल जी सैनी की 2 करोड़ रुपए माइंस पे कब्जा और नाम पे करा ली मात्र और मात्र गुंडागर्दी की वजह से। अगर उदयपुरवाड़ी में काम करना तो माइंस मेरे को देनी पड़ेगी, बोलता कोई नहीं। 2 दिन से लोगों ने बोलना शुरू किया है, परसों नगर पालिका में पुतले जल रहे थे, कल पापड़ा में जल रहे थे, आज पतलिंग पतलिंग में भी जल रहे थे। ये पुतले मात्र आग के उस सड़क पर नहीं जलने चाहिए,
हमारे दिलों में आग लगनी चाहिए कि उन्होंने कैसा कितना घोर अन्याय किया है, इसका बदला हमको लेना है। आपने 5 साल का समय दिया था, मैंने सबसे पहले वो जो अपने आप की सामंतवादी प्रथा का सबूत वहाँ बड़ा एक महल खड़ा किया था, 1 मिनट में हमने नेस्तनाबूद कर दिया। मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा किया है, गिरावड़ी में लोगों की जमीनों पे कब्जा किया है, एक एक कब्जा खाली करा लिया जाएगा, एक एक निर्माण अगर अवैध है तो तोड़ दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। और जितना पैसा तुमने गुंडागर्दी से नैतिक तरीके से कमाया है वो भी तुम्हारे गिरेबान में से निकाल लिया जाएगा। माफ करना, हमने 5 साल आपकी सेवा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस नगर पालिका में कितने काम हुए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। डहर में, निचले डहर में एक ऐसा रास्ता जिसमें हाथी डूब जाता था, दिन में बहन बेटियों को चलते हुए डर लगता था, और सैनी समाज में आप लोग जानते हैं जमीनें हमारे पास कम हैं, परिवार बड़े हैं, 1 इंच जमीन के लिए हम लोग लड़ पड़ते हैं। पर आप देखिए, बिना किसी के तू तू मैं के बना, बिना किसी के थोड़ी सी आंखों में गर्मी लाए बिना मैंने 50 फीट चौड़ी रोड बना दी, कोई रोक नहीं पाया, किसी ने एक दिन बात नहीं करी। मात्र 500 मीटर का टुकड़ा है, 4 बार तो समाज को लड़ा दिया, एक को कहता इधर बनाऊंगा, दूसरे को कहता उधर बनाऊंगा, आचार संहिता कल सुबह लगने वाली, अभी कुछ नहीं बन पाया, वो भी हमारे किस्मत में लिखा हम ही बनाएंगे, और जिस दिन बनेगा उस दिन कोई बोलेगा नहीं। पानी के लिए जब हमारा चुनाव था, नगर पालिका के वोटों का कारण है ये, सड़कों पे मशीनें लगा दी, सड़क का लेवल लेने वाली, शुभकर चौधरी झूठ बोलता है, इसको पता नहीं कुंभा लिफ्ट कैसे आएगी, हमने देखो लेवल की मशीन लगाई है, ये यमुना का पानी लाने के लिए उत्तर प्रदेश से यहां तक का लेवल निकाल रही है, बस मैं एमएलए बना नहीं और यहाँ पानी पानी आया नहीं, वो घर में पीने का पानी तो आया नहीं, उदयपुराड़ी की जनता के आंखों में आंसू जरूर आ गए, वो पानी आपकी आंखों में आया, वो जो जेब में लेके घूमता था कुंभा लिफ्ट, या तो वो जेब फट गई या फिर वो कुंभा लिफ्ट ही वापिस चली गई, लेकिन हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा मात्र एक सपना पिछली बार भी था, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया। मित्रों, ना कोई एमएलए बनने का शौक है, ना कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करने का शौक है, एक बार और आप बनाओगे तो भी मैं पूर्व विधायक कहलवाऊंगा, आज भी मैं पूर्व विधायक हूँ, मेरा मात्र एक सपना है, ये माँ बहनें जो बैठी हैं, ये नौजवान साथी और बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा मात्र एक सपना है कि आने वाली कई पीढ़ियों तक ऐसी व्यवस्था करके जाऊं कि आप लोग बस 100 साल तक याद रखें, हमारा एक सेवक आया था, हमारा किसान का बेटा हमारा विधायक बना था, जिसने ऐसी पानी की व्यवस्था कर दी, 24 घंटे नल में जल आता है और वो भी स्वच्छ पानी आता है। मैं वर्षों की बात नहीं करता, मात्र 2 साल में, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और मैं 2 साल में इसलिए करने का वादा करता हूँ, मुझे पता है वो फाइल है कहाँ, मैं जानता हूँ वो प्रोजेक्ट कैसे स्वीकृत होगा, क्योंकि उसका 80% काम मैंने कर लिया था। दुर्भाग्य देखिए, 80% काम करके प्रोजेक्ट बना के सारा सब कुछ टेंडर की स्थिति में लाके छोड़ के गया था, वो फाइल आज की आज वहां धूल फांक रही है, उस फाइल को उठा के यहां से हुआ नहीं रख पाए, और हमसे कहते हम काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इनको समय नहीं मिला, ये कहां से आपका काम करते, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा करते, आयरन ओर की तस्करी करते, नदी में गुंडागर्दी का टैक्स लेते, लोगों की माइंसों को अपने नाम पे करवाते, कभी बाबूलाल की हत्या करते, कभी मदन मणकस की हत्या करते, कभी महावीर झाझरिया की हत्या करते, आपका काम करने के लिए समय था कहाँ उनके पास, वो तो इन कामों में लगे थे, और जितने गुंडे उन्होंने पाले हैं उन पे लगे हुए मुकदमों को हटाते, 5 साल में एक भी किसी ट्रैक्टर वाले के साथ किसी प्रकार की बदमाशी हुई नहीं, रुके तो सबके रुके, चले तो सबके चले, अरे एक मंत्री की औकात देखिए, रात को सड़क पर आके तय करता है, ये बीरबल का ट्रैक्टर है बंद कर दो, ये रोहतास का ट्रैक्टर है चालू रहने दो, ये मैं कहता हूं, और ये निकम्मी सरकार के लोग, अब तो भगवान की दया से उनकी रान कट गई, वो कहते हैं।